साथ में आ जाता है हमारा ढाई पेड़ी, और ढाई पेड़ी के बाद में हमारे अलवर की जो पहाड़ी मतलब स्टार्ट होती है ना, मतलब माउंटेन्स फील देते हैं, और अलवर के लोग दिल से कनेक्टेड है इस जगह से। बाहर भी हम जाते हैं तो इस जगह को हम नहीं भुला पाते, हमें ये पहाड़ हर जगह याद आते हैं। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं सबसे पहले ढाई पेड़ी, रास्ते का व्यू दिखाते हुए नटनी का बारा कैंप में। तो बारा कैंप बेसिकली हमारे अलवर का जहाँ से मेन टूरिज्म स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में है जहाँ से आप अलवर की एक अच्छी सी ट्रिप प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रिप स्टार्ट करने का एक डेस्टिनेशन चुन सकते हैं वहां से, और उसके बाद अपनी ट्रिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। बारिशों में जो हमारा अलवर दिखाई देता है, हमारा यानी कि आप सभी का, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एकदम ग्रीनरी के बीच में जब आप चलते हो तो ये जो माउंटेन्स है, जो अरावली माउंटेन्स इनको बोलते हैं, ये जो फील देते हैं ना नेचर का, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो गाइस, आज की वीडियो में काफी सारे अलवर के क्रिएटर से मिलाएंगे जो अलवर को रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया से, उनसे भी इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे। ये जो मेन टूरिज्म के लिए जानी जाती है ये रोड, वो है सिलीसेड लेक एंड गरबाजी वाटरफॉल नाम से भी ये जगह जानी जाती है। तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एक तो वहाँ पे आप लोग दिखाओगे वो छतरी वहाँ पे, हाँ वो जो फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, और एक यहाँ पे मतलब बताते हैं लोग, हाँ। मेरे को तो इतना पुख्ता किसी को नहीं पता, हाँ। तो नटनी एक तरीके की जो कास्ट है, हाँ। वो कास्ट यहाँ पे पहले वहाँ से वहाँ तक रस्सी डाल के यहाँ पे मतलब वो कलाकारी करते थे प्रदर्शनी बोले जिसको, तो उसका एक बच्चा नीचे था तो वो नीचे उतर के आए थे, तो उसने कहा था कि भाई नीचे नहीं उतर रहे थे वो, मैंने सुना है जो मैं बताता हूँ, वो यहाँ से वहाँ ट्रैक करके जा रहे थे, तो जब वो इस रस्सी के बिड़ में आ चुके थे तो उन्होंने देखा यार हम इतने नीचे मतलब इतना हाइट पे हम लोग, इनके हम नीचे गिर जाते तो हमारे बच्चों का क्या होगा, तो वो तो देख के डर गए। मैंने पता है क्या सुना, मैंने सुना है कि वो रस्सी पे कला कर रही थी तो नीचे आ गई, वो नीचे आने के बाद में सोचा उसने कि यार अगर मैं मर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता, तो मर गई। कहीं ना कहीं की क्या होता वाली सिमिलर है, मतलब जो स्टोरी है ना वो मेन पॉइंट एक ही है कि वो नटनी मर गई थी यहाँ से कला करते हुए, और वो जगह का नाम नटनी का हमारा तभी कर दिया। और ये जो नदी बताते हैं कि रूपारेल नदी यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक चली जाती है भरतपुर के लिए और एक अपने अलवर के लिए, अलवर से यहाँ से पानी जाता है अपने जैसमंद के लिए। जैसमंद कितना भर गया होगा इस मौसम में? जैसमंद में काफी है पानी, तो काफी मतलब पहले के मुकाबले अब यार ऐसे तो कम है यहाँ के कम्पेरेटिव कम है। तो मतलब यहाँ से यहाँ दिखाओगे आप लोग तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक जाती है ये भरतपुर, अच्छा ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर दी। और ये एक कौन सा हमारे पॉलिटिशियन है, उन्होंने काफी वो संघर्ष किया था, उसके बाद में इसके दो पार्ट किए थे, ऊपर रेल नदी बन जाती है, एक चली जाती है भरतपुर के लिए और एक अपने अलवर जो कि जैसमंद में चले जाता है पानी। ये स्टोरी है भाई इसकी, तो सही है, शॉर्टेड है लेकिन अच्छी स्टोरी है, शॉर्टेड है लेकिन अच्छी स्टोरी है। देखो हम लोग वहाँ पे भी ट्रैक करते हैं, वो जो नटनी वहाँ पे एक बार वो जो फ्लैग लगा है, तुम गए हो वहाँ पे कैंपिंग की है ब्रो, पूरी एकदम टेंट वेंट लगा के, क्या सेफ है मतलब कोई जानवर वगैरह आने से? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, मंदिर वगैरह है, लोग रहते हैं, बारह लोगों के यहाँ के लोकल राइट्स के हिसाब से कोई लोकल लोग परेशान करते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपन लोग बोल देते ना कि अलवर से ही है, अपन एक दूसरे से इंटर हो जाते हैं, बस ऐसा ही है, बाकी तो लोग बाकी लोग यहाँ पे ना भी रहे। सांस बंद नहीं भैया, सांस बंद नहीं, आ रहे हो क्या? आओ ना तो, एक दो तीन, ओहो क्या बात है। ओ भाई ओ क्या बात है यार, क्या बात है यार, कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ? मेहनत देख रहे हो भाई, एक दो तीन ले,
फ्रेंडशिप डे तो कल था लेकिन हाँ भाई तैयार हो भरतरी बाबा की जय बोल के कूदो यार एक बार और बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे वो कैसे पूरा एक बार बता दो भाई अंदर करनी चाहिए थी ना भाई सो सैड बंदरों ने पूरी ये फाड़ दी है सीट यहाँ पे और इसका प्लग भी खाने की कोशिश की ये देख रहे हो आप और ये खा गए हैं यहाँ से ये खा गए हैं अरे ये दिखाओ ना यार मेन चीज सीट का जो मेन कवर होता है ना हाँ उसमें भी अंदर छेद कर दिया बात आओ खा गए फोम फुल प्याज में भाई मैं वही सोचा मैं नीचे से भाप कहाँ से आ रही है ये देखिए ये बोला भरतरी बाबा की जय 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 मिट्टी डालो बुरे कर्मों पे लेकिन ये अच्छे कर्म अच्छे कर्म लेकिन ये एक एडम डैम बन के रह गए राजस्थान तक के लोग जानते हैं सर हम भी कोशिश यही कर रहे हैं इसको जितना हो सके उतना प्रमोट करें इसको अभी हमारी प्लानिंग भी है कि ग्लोबल एक बार इसको थोड़ा सा ग्लोबली टूर एक बार हम जो है प्लान कर रहे हैं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं बाहर से इनबाउंड ट्रैवल एजेंट्स को हम जो है लेके आना चाहते हैं और कोशिश यही जिस तरीके से आपको सर्व किया इस तरीके से कुछ टाइम बाद जैसे ही थोड़े हालात और सही होते हैं तो हम उनको भी सर्व करेंगे और इसको जो अलवर है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक बार हम इसको प्रमोट करेंगे डेफिनेटली और अगर इस पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो इस जगह का नाम है नटनी का बारा तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो रिवर आप पीछे देख रहे हैं ये अलवर की इकलौती मैंने दिखाया था कुछ लोग कूद भी रहते हैं वैसे वो सारी चीज भी आपने पहले देखी होगी कूदना हालांकि सेफ नहीं है इसके अंदर मगरमच्छ है 18 क्रोकोडाइल की काउंटिंग मेरी खुद की है और अराउंड 350 से ज्यादा छोटे छोटे कछुए इसमें है मड टाइप टर्टल की स्पीशीज इसके अंदर है खास बात इस रिवर की ये है कि राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक आती है अच्छा। इसकी जो स्टार्टिंग होती है रूपारेल नदी इस नदी का नाम है रूपारेल नदी इस नदी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सरिस्का टाइगर रिजर्व अगर आप थानागाजी कस्बे में जाओगे तो उदयनाथ जी का मंदिर होता है उदयनाथ मंदिर जो उदयनाथ जी का मंदिर है उनके जंगलों से इस नदी की शुरुआत होती है ये बेसिकली एक एग्जिट पॉइंट है इस रिवर का ये सरिस्का टाइगर रिजर्व का एज है यहाँ से रिवर निकलती है यहाँ पे डिवाइडेशन पॉइंट है राइट हैंड साइड में जाता है भरतपुर पानी लेफ्ट हैंड साइड में जाता है अलवर जैसमंद पानी इस रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट तो है सरिस्का एंडिंग पॉइंट जो है ऑन डॉक्यूमेंट एक्चुअल जो है वो है यमुना मतलब ये यमुना हाँ भरतपुर से आके जाके यमुना में ये जॉइंट होती है रिवर तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मान ली और ये जो नदी है ना ये इकलौती बची हुई नदी है अलवर की और ये अलवर की गंगा है गंगा क्यों है क्योंकि इकलौता स्रोत जो है पानी का यही बचा मेन सोर्स जो अलवर को आप पानी के संकट से बचा सकते हैं हमें चंबल से पानी लाने की जरूरत नहीं है अगर इसका पानी हमने किसी भी तरीके से बचा सेफ रखा थोड़ा प्रॉपर यूज किया अगर इसको हम प्रॉपर चैनलाइज करके पहुँचा दें तो अलवर के पानी की समस्या खत्म तो हमारी कोशिश भी यही है अभी हम इसको अडॉप्ट भी करने जा रहे हैं नटनी के बालों को बहुत ज्यादा और कोशिश भी हम भी जो बाकी एनजीओज लगी पड़ी उनके साथ हम लगे पड़े हैं कि इसका पानी जैसे जैसे करके जैसे मन पहुंचे पर्टिकुलर मतलब नहर बने पानी कहीं से लीकेज ना हो प्रॉपर मतलब जहाँ पानी जाना चाहिए वहाँ पे पहुंचे प्रॉपर तरीके से पहुंचे यही नहीं कि रस्ते में पानी जो है मतलब हालांकि देखिए पहला जरूरी होता है चैनलाइज करना किसी भी चीज को आप घर में नाली भी बनाते हो तो चैनलाइज करके बनाते हो कि पानी का निकास हो तो मेरा भी पहला जो हमारा प्राथमिकता यही कि पहले इस पानी का प्रॉपर चैनलाइजेशन हो कि पूरा का पूरा एक निकास जो है वो तैयार हो उसके बाद पानी वहाँ तक पहुँचेगा अदरवाइज बाकी सोर्स तो गॉड गिफ्ट है वो तो गॉड गिफ्ट है सर बाकी तो बारिश है भगवान जितनी बारिश करेंगे उतना पानी आएगा बाकी बारिश नहीं हो तो नदी भी कोई काम की नहीं है बाकी जितना प्लांटेशन हम करें उतना हमारे लिए बेटर है इसकी दो तीन और खासियत है अगर मैं बताने लगा तो बहुत लंबा टाइम बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी वेब सीरीज बन जाएगी नटनी का बारा इसकी बहुत दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज है एक नटनी का बारा नटनी के नाम से ही है सेकंड स्टोरी महाराजा जयसिंह जी के टाइम की भी है कभी इन डेप्थ अपन बैठेंगे तब मैं कभी नेक्स्ट वीडियो का मौका मिलेगा तो जरूर आपके साथ बनाएंगे चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोल दो फिर मैं खाना खाऊंगा और वीडियो की एंडिंग कर दो एक अच्छी सी यार इतना शानदार चैनल इतने शानदार पर्सन अब भी अगर
सब्सक्राइब नहीं करो तो फिर क्या फायदा, फिर तो क्या फायदा। तो गाइस जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। भाई स्टाफ को भी थैंक यू यार, ठीक है सर, बहुत खातिरदारी की, बहुत बढ़िया लगा। हां जी सर, एक बार आ जाओ ना सब लोग यार, भरतरी बाबा की जय बोलेंगे सबसे पहले। तो बोल भरतरी बाबा की जय, पांडिपोल वाले महाराज की भी बोलेंगे, बोल पांडिपोल वाले महाराज की जय। तो सबसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको, बताओ भाई। भाई मेरा नाम अक्षय है, मेरा चैनल है बर्निंग स्पाइसेस, फूड ब्लॉगर हूँ और अलवर को रिप्रेजेंट करो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, वाकई में अलवर में इससे बेस्ट क्वालिटी के टिकट आपको नहीं मिल सकते। भाई मेरा नाम लक्ष्य सचदेवा है, टीम बर्निंग स्पाइसेस से ही हूँ, बहुत अच्छा लगा भाई। ट्रैकिंग का बहुत अच्छा अच्छा व्यूज दिखाते हैं अगर आपको अलवर के ट्रैक्स करने हैं तो। हेलो एवरीवन, दिस इज निर्ज रोगा फ्रॉम मिस्टर ट्रैकर। सो अलवर के जितने भी मोस्टली फेमस ट्रैक हैं या जैसे भी जो अनसीन प्लेस है अलवर के, वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करें मेरे चैनल पे मिस्टर ट्रैकर पे। और आए नटनी का बारा कैंप पे, जो यहाँ पे कहते हैं जायकेदार लबाबदार खाना खाना है, एक नंबर, ठीक है भाई। अलवर फोटोज, सीट फट गई तो मतलब इतना दुख है? अरे भाई सीट तो फट गई, कोई बात नहीं है, मगर ऐसे भाइयों से ना आज की जो मुलाकात है वाकई बहुत वर्थ गई है। और खाने का मजा, बाकी अलवर शहर के बारे में थोड़ा बताओ और अपने काम के बारे में थोड़ा बताओ। यार शहर तो बहुत ही खूबसूरत है, बिना मात्रा का शहर अलवर शहर। और आज का मेरा यूट्यूब चैनल ये जो मिस्टर ट्रैकर जहाँ वीडियो आपको डालेगा, शॉर्ट्स डालेगा, और पूरी जो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, चैनल का नाम है रॉकी चो। ये फुल प्रमोशन चल रहा है फ्री में, तो भाई से मिला देते हैं आपको। भाई के भाई भी अलवर को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट वीडियोस में और अच्छे अच्छे फोटोज के साथ में। तो भाई नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल मित्तल है, इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है अलवर डॉट वाला के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अलवर की कुछ बेहतरीन फोटोज जो मैंने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने जज्बातों को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू भाई, नाइस टू मीट यू। तो नितिन भाई के थ्रू हम इतना अच्छा मतलब कंटेंट सारे मिल पाए, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो सब लोग मिले, धन्यवाद भाई तुम्हारा। बाकी होटल कम्युनिटी के एक ऋषिकेश में जरूर आए बारा कैंप तो भाई भी एक होटल को रिप्रेजेंट करते हैं, भाई अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। अरे अपना कुछ भी नहीं है, अपना एक छोटा सा ढाबा है अलवर में जयपुर रोड पे। और उस ढाबे की सिर्फ एक ही खासियत है कि बिना प्याज लहसुन खाना बनता है, एक बार जरूर आए। नाम तो बताएं, फौजीदार ढाबा। और आज लंगर भी चल रहा है वो तो बताया नहीं, मतलब फ्री का आखिरी का रविवार, मुझे फ्री का पसंद है। बताओ जरूर आइएगा फिर तो आप। मंथ के आखिर रविवार को लास्ट संडे को हमारा भंडारा चलता है, भंडारा पूरे सुबह से लेकर शाम चलता है, जरूर आइए। मुझे तेरे घर की रोटी चाहिए। सर बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन। सर 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 प्लीज सीपी के पास कार बैठी है सर, वो लेटने वाला सर 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 एक बार सर 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 स